पर सनम तूने गजब फाइट किया था। स्लो मोशन में मारा सेम है क्योंकि फिर तो अंतर अलग है। ये जैसे जो कंफ्यूज होंगे हम तो करते जाएंगे। आपका राइट राइट वन मोर स्ट्रेट सर मैम एक दोनों एक आप दोनों का स्ट्रेट यस स्ट्रेट यस सर मैम एक साथ ऐसे सिंपल किया होल्ड होल्ड थैंक यू यस होल्ड वन मोर मैम सर के बारे में क्या कहना चाहिए थोड़ा बहुत बताइए उसके बारे में। या इज इट डन ओके क्रेजी बलम मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया है ये गाना अभिजीत जी की कंपोजिशन है एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग मयूर मयंक जी ने लिखा है इस गाने को और ये प्रोड्यूसर भी हैं तो इनमें दो खूबियां हैं आई थिंक दो खूबियों से ज़्यादा भी बहुत सारी खूबियां दिख रही हैं आप में। सो क्रेजी बलम इज जस्ट लाइक अ मैड सॉन्ग और जैसे ही ये इस गाने का जैसा नाम है वैसा ही काम है। सो जब ये गाना बाहर आएगा सो आई एम डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि जलेबी बाई से भी बड़ा हिट होगा। और गाने में कितना मज़ा आया आपको क्योंकि जो इसके लिरिक्स हैं इसके बहुत मज़ेदार हैं गाते गाते आप खो गई थी उस दिन में। मैं खो ही नहीं थी मैं डांस करती रहती हूँ यू नो जब भी कुछ इस तरह का गाना होता है तो आई एंजॉय एंड आई डांस यू नो मैं हमेशा खो जाती हूँ और कोई भी गाना होता है तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप कोई गाना गाते हैं तो उसे हमेशा एंजॉय करना चाहिए और जब तक वो आप गाने में खोते नहीं हैं आप उस गाने को यू नो आप उस गाने में ढलते नहीं हैं तो वो गाना आप अच्छे तरीके से नहीं गा पाते। अभिजीत जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो मेल का था वो आपने किंग जी से सिंगिंग करवाई तो आपके दिमाग में ऋतु जी का नाम ऐसा कुछ मतलब जी जब ये गाना कंपोज कर रहा था मैं तभी मेरे दिमाग में फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस था रितु जी के कि रितु जी ये गाना गाएंगे और मैं बहुत थैंकफुल हूँ रितु जी का कि इन्होंने अभी गाया है बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को जब ये मार्केट में आएगा। एंड अभिजीत ने बहुत अच्छा कंपोज किया है और जो इस गाने की प्रोग्रामिंग हुई है मतलब इसमें काफ़ी लाइव किया है ना मतलब इसमें हारमोनियम्स वगैरह इतने अच्छे नोट्स लगे हैं और बहुत ब्यूटीफुल कंपोज किया है। एल्बम में सिंगल एल्बम है या और भी गाने हैं ये एल्बम नहीं ये सिंगल एल्बम है फोक बेस्ड है अपनी कंपोजिशन जो है फोक बेस्ड है
इट्स एन आइटम सॉन्ग बट आइटम को लेके यू नो काफी सुरीला आइटम सॉन्ग है। मैंने आपसे जानना चाहेंगे जो लिरिक्स लिखे हैं आपने क्या क्या थीम है किस तरीके से क्या जहन में रख के आपने लिखा है? कोई चीज़ मैं मतलब ऑलरेडी पहले से मैं सोच के कुछ नहीं लिखता हूँ, बस अभी आजकल जैसे चल रहे हैं आइटम सॉन्ग चल रहे हैं तो बैठ के मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा लिखूं कि मार्केट में अच्छा हो और मैंने फिर लिखा उसको। अभी जी आपने बोला फोक बेस्ड है तो क्या है इसमें क्या अलग ये है तो एक फोक बेस्ड लेकिन हम लोगों ने इसको एक कंट्री काइंड ऑफ म्यूज़िक है ये जॉनर तो उसमें इसको ढाला है क्योंकि थोड़ा मॉडर्न हम लोगों को करना था और कोशिश की है अभी क्या होता है अब देखिए अच्छा ही होगा। तो आप गाने की बात कही जाए आइटम सॉन्ग्स जैसे सिंगल में और फिल्म्स में बहुत चल रहे हैं तो आपको लगता है ये ट्रेंड कितना आगे चलेगा और या इसी पे फिल्म्स या सिंगल जो अभी एक एक सिंगल सॉन्ग चलता है आप व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए जब तक चल रहा है जब तक लोग इन्जॉय कर रहे हैं और लोगों का तो ऐसा है कि इंटरटेन करने के लिए है ये सब चीज़ें तो और आजकल लोगों का यही होता है कि जब वो घर पे आते हैं स्ट्रेस इतना बढ़ गया है और स्ट्रेस को अगर रिलीज़ करना है तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आइटम सॉन्ग सुन लो और डांस कर लो अपना मूड फ्रेश कर लो तो सबसे अच्छा यही है कि तो सिंगल्स की जहाँ तक बात है तो मेरा मानना यही है कि जब तक लोगों को अच्छी लग रही है चीज़ लेकिन वही होता है कि हर तरह की ऑडियंस होती है कि आज जो लव सॉन्ग का जॉनर है या क्लासिकल बेस्ड जो सॉन्ग्स होते हैं उसकी ऑडियंस अलग है लेकिन ये ट्रेंड कब तक चलता है लेट्स ऑडियंस डिसाइड क्योंकि आइटम सॉन्ग्स अभी बीच में जो आए थे फेविकॉल से या जलेबी बाई तो अभी रिमिक्सेस का ज़माना आ गया है तो कुछ दिन तक वो रहेगा अभी हो सकता है शायद कुछ और चले तो ये टाइम टाइम की बात है वक्त वक्त की बात है। अभी चलते चलते गाने आपने कंपोज किया ऋतु जी गा रही हैं अभी तो एक नाइन आप सुना रही थी ऋतु जी ज्वाइन कर ली। हाँ बिल्कुल एक्चुअली ये गाना 6-8 में है और इस ऋतु जी ऑलरेडी एक मोस्ट पॉपुलर सिंगर हैं और एक गाना बहुत इनका हिट है बहुत बड़ा ऐसे बहुत सारे गाने हैं जैसे गंदी बात वो भी 6-8 में ही है तो हम लोगों ने ये सोच के बनाया था और शुरुआत ये है। तुझे प्यार करने के लिए इनवाइट किया था पर हार सनम तूने गजब फाइट किया था बेदर्दी सनम तूने बदन क्रैक कर दिया मैंने प्यार करना उसी दिन से ब्रेक कर दिया मेरी मदहोश ने आह ऐसा निकाला होके क्रेजी बलम ने पिल्लो फार डाला मेरे क्रेजी बलम ने पिल्लो फार डाला मेरे क्रेजी बलम ने पिल्लो फार डाला मेरे क्रेजी बलम ने पिल्लो फार डाला। थैंक यू। मैम एक लास्ट सवाल अभी रिसेंटली एक सिंगर ने मतलब भजन सॉन्ग गाया था तो 46 मौलवी लोग ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया तो एज अ सिंगर आप क्या मानते हैं क्या एक बाउंड्री होनी चाहिए या कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं ऐसा कुछ भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। रिसेंटली कौन सा इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने उन्होंने नाहिद आफरीन का उनका नाम है उन्होंने भजन गाया था ऐसा पर वो मुस्लिम है अच्छा। तो उन्होंने उनके खिलाफ मौलवी लोग ने फतवा जारी कर दिया। अच्छा अच्छा ऐसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट ने गाया था पहले भी तो ऐसा कुछ रोक नहीं लगाना तो चाहिए इन सब संगीत चीजों से तो बहुत ऊपर है और ये इसमें जात धर्म तो है ही नहीं जात धर्म तो है ही नहीं है संगीत तो संगीत है और ये सब तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से संगीत सबका है। बिल्कुल तो एक बाउंड्री होना चाहिए या सिंगर्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती क्या मानना है आपका? ऑफ कोर्स सिंगर्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती ईश्वर अल्लाह राम सब धर्म सब इसमें किसी का कोई नहीं है और इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं देखा जाता है संगीत सबके लिए है और सबके लिए होता है। थैंक यू अब तो आप जब सिंगिंग करोगे वो वहाँ से ले
सकती है, कुछ भी ऐसे बोलिए, सिर्फ फोटोज के लिए। कोई भी गाना गाओ, कुछ भी ऐसे गुनगुना, थोड़ा इस तरफ फेस करके। है यही शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी, आ तुझे प्यार करूं मैं सरे आम बेबी, है इंतजाम बेबी है ना ना नाम बेबी, इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबी, इश्क प्यार प्यार खुले आम करूं मैं हूँ मुतासिब तुझसे दिल ये तेरे नाम करूं, आजा मेरी बाहों में ना 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 ना, कहीं तू मुझसे ये ना कह दे यार ना मिले मैं मर जावा, मैं मर जावा, मुझे यार ना मिले मैं मर जावा, मैं मर जावा। नहीं इधर बाहर